उन्नाव में अन्याय हुआ है और अन्याय करने वाले 62 दिन तक खुलेआम घूम रहे थे। एक पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा था, सारे नेताओं के सारे अधिकारियों के दरवाजों पे माथा टेक रहा था, किस तरह से उनकी एक बेटी जो आज इस दुनिया में नहीं है वो किस तरह से बच जाए, उसकी जान बच जाए। और सच ये भी है, अगर यहाँ का कानून व्यवस्था जो है वो नेताओं की चौखट पे नतमस्तक नहीं होती तो शायद वो आज बेटी हमारे बीच होती। सारी व्यवस्था जो है ताकतवर लोगों के कदमों में दम तोड़ चुकी है। आजाद भारत में भी अगर 62 दिन एक बच्ची को बरामद कराने के लिए उनका परिवार सारे नेताओं के सारी अधिकारियों के आगे पीछे घूमता और फिर भी वो बच्ची जो है मिलती भी तो इस हालात में, तो मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था कहाँ है। अगर पुलिस प्रशासन ने लापरवाही ना बरती होती और पुलिस प्रशासन ने ताकतों लोगों का साथ ना दिया होता तो आज वो बच्ची हमारे बीच में होती और इन परिवार के जो आंसू जो है ना वो शायद सूख गए होते। इस घटना में जो दरोगा जी जो बार बार परिवार को धमकाते रहे, डराते रहे और मदद नहीं की, वो दरोगा जी जो हल्का इंचार्ज थे उस थाने के SHO, उस सर्कल के CO जिन्होंने न्याय को प्रभावित किया वो भी दोषी हैं। मैं यहाँ के SSP और DM और प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री जो कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उस अपराधी के घर पे बुलडोजर चलेगा, या वो अपराधी रसूखदार परिवार से है, उसके पिताजी मंत्री रहे हैं, तो वो क्या वो गरीबों की बच्चियों के साथ शोषण करेगा और वो बच जाएगा? क्या उस SSP उस जो है वो जो CO SHO और वो जो दरोगा है जिन्होंने जिनकी वजह से वो भी हत्या में दोषी है, अगर उन्होंने समय पर कार्रवाई होती तो आज वो बेटी जिंदा होती? उन्होंने अपने कानून अपने जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन नहीं किया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? मैं चाहता हूं पीड़ित परिवार की मदद के साथ साथ उन्हें दरोगा पे SHO पे और CO पे Section 4 का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए जिससे दोबारा कोई न्याय को प्रभावित ना करे और किसी बच्ची के साथ ऐसी घटना दोबारा ना हो। आंसू नहीं सूखे हैं और जितने जिम्मेदार आरोपी हैं उतने जिम्मेदार वो SHO और दरोगा भी हैं जिन्होंने न्याय को प्रभावित किया, जिनकी वजह से देरी हुई बच्ची की गुमशुदगी, जो रिपोर्ट भी लिखी जाती वो भी दर्ज हुई और अपहरण की जो रिपोर्ट की मांगे कर रहे थे वो भी दर्ज नहीं हुई। अगर वो समय से दर्ज हो जाती और आरोपी पे कार्रवाई होती तो मुझे लगता कि आज वो बच्ची हमारे बीच जिंदा होती। अब हम ये प्रयास करेंगे कि जो कार्रवाई हो चुकी है उस पर निगरानी रखी जाए और क्योंकि इसमें अधिकारी कर्मचारी भी दोषी है तो इसकी जांच जो है परिवार की तो मांग है और मेरी खुद की मांग है, हम समाज के लोग भी मांग करते हैं कि इस घटना की CBI जाँच हो, क्योंकि 62-63 दिन एक बच्ची का गायब होना और फिर पुलिस का उस पर इस तरह का व्यवहार, यानी कि इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और अधिकारी कर्मचारी भी इन्वॉल्व है, उनकी सबके जांच होनी चाहिए, उनके सबके खिलाफ मुकदमा लिख के उनको जेल भेजा जाना चाहिए। सर, दो बार पोस्टमार्टम हुआ है, दोनों में अलग अलग रिपोर्ट आई है। ये ताकतवर लोगों के सामने जो न्याय है उनकी चौखट पे दम तोड़ चुका है, इसलिए हमें लड़ना पड़ेगा। आज मैं इसलिए हूँ कि अगर प्रशासन और पुलिस मिलकर न्याय कर रहे होते तो शायद आज मुझे नहीं आना पड़ता, लेकिन अगर इतने बड़ी घटनाक्रम पे भी आपको आंदोलन करना पड़े, आपको लड़ना पड़े, आपको हक के लिए जो है सड़कों में आना पड़े या आपको अधिकारियों से अपनी मांगों के लिए खड़ा होना पड़े, तो इसका मतलब पूरी सरकार और प्रशासन मिलके वो जो ताकतवर लोग हैं मंत्री जी और जो तमाम लोग जो उनके बेटे ताकतवर लोग हैं उनके आगे नतमस्तक हैं, यानी कि गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। सर, अच्छा, परिवार से आपकी मुलाकात भी हुई है जी, कुछ क्या मुख्य बातें बिंदु रखी गए परिवार की तरफ से, क्या मांगे हैं उनकी? जो मांगे हैं वो सारी मांगे मैं यहाँ के अधिकारियों से बात करूँगा, अभी मैं यहाँ के SSP और DM दोनों से मिलूँगा। अगर आज रात मेरी मुलाकात नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं सोऊंगा, मैं सुबह मिलके उनसे उनकी मांगों पे बात करके और वो क्या कर रहे हैं ये भी जान के, और गैंगस्टर उन पे ग्राशु का लगेगी नहीं लगेगी, उस घर पे बुलडोजर चलेगी नहीं चलेगी आरोपी के जिसने एक परिवार को जो है ना खून के आंसू रुलाए, उनके उसमें फास्टर कोर्ट में मुकदमा चलेगा नहीं चलेगा, और उन अधिकारियों की जाँच कौन करेगा? हम तो चाहते हैं कि CBI जाँच हो और उन अधिकारियों की भी, सुप्रीम कोर्ट की जजों की निगरानी में उनकी भी जांच पूरे घटनाक्रम की। थैंक यू।